अगर आप भी शार्पफिशर सीनियर Q3 का कंपनी वाइंडिंग डेटा अपनी मोटर के अंदर लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि फिशर सीनियर Q3 मॉडल है, जिसका यहाँ पे कंपनी वाइंडिंग डेटा बताने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं KW और HPB। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर है वो 12.5 का या फिर 15 का भी आप लगा सकते हैं। साथ में इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आप MM में देख सकते हैं। यदि आप इस मोटर का जो लेबल है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसी मोटर का मैं आपको सही कंपनी का डेटा बताने वाला हूँ। सब कुछ जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको चाहिए, और यहाँ पे जो जानकारी मिलने वाली है वो सभी आपको कंपनी डेटा मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप रनिंग की बात करें तो रनिंग का जो चैट है वो आपके सामने है। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसके अंदर टर्न है वो डबल टर्न चलते हैं, मतलब डबल 27 नंबर गेज चलता है। यदि डबल में आप गेज चलाते हैं तो यहाँ पे आपको 81 टर्न लेने हैं, और यदि आप इनको डबल करते तो 162 होते हैं, मतलब आपको 27 नंबर गेज को डबल चलाना है और आपको 81 टर्न लेने हैं। और यहाँ पे जो ये पीच है वो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। और यहाँ पे आप इसके कनेक्शन देखना चाहते हो देख सकते हैं, इसके जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, मतलब आपको पास पास वाले जो दोनों आपको किनारे मिलते हैं इसके जो किनारे, इन दोनों को आपको इस प्रकार से मिलाना है, जिस प्रकार से मैंने मिलाया इसी प्रकार से आपको दोनों को मिला के फिर दोनों को बाहर निकालना होता है। यदि आपको कुछ भी समझ में दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ में इस कॉइल का जो वेट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो गेयर चलता है वो भी 27 है, परंतु यहाँ पे जो गेयर चलता है वो है सिंगल, यहाँ पे डबल वायर नहीं चलता, यहाँ पे सिंगल चलता है। सिंगल में आपको 142 टर्न लेने हैं, और यहाँ पे 1 से 10 और 1 से 12 चलता है, और कॉइल का वजन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन है, जो कि सादे कनेक्शन होते हैं, जो कि आप सभी को पता ही है, आप सभी करते ही है। अब इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का यहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाता है, जिससे कि आप बड़े आराम से फाइंडिंग कर सकते हैं। साथ में आपको इससे पहले मैंने इनके जो कनेक्शन है और डेटा है और सभी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको मैंने चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा दे दी है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।